अब अगले मिनरल की हम बात करें तो वो है मैगनीज। यदि इसकी आरडीए की बात की जाती है तो 5 मिलीग्राम आरडीए इसकी बताई जाती है। यदि हम इसके फंक्शन की बात करें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर ये फंक्शन करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है और वहाँ पर हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे कौन हेल्प करता है? मैगनीज हेल्प करता है। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना नॉन एग्जिस्ट प्रीकर्सर से। इसके अंदर आपका ग्लिसरॉल आ सकता है, पाइरोवेट आ सकता है, लैक्टिक एसिड आ सकता है। तो इनसे जब ग्लूकोज बनता है तो उसे अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। वहाँ पे कौन सा मिनरल हेल्प करता है? Mn+2 यानी मैगनीज आयन है वो वहाँ पे हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स एंड एग सेल्स, जो हमारी हड्डियाँ हैं ठीक है, और हमारी जो एग सेल्स होती हैं जो अंडे के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? मैगनीज हमें देखने को मिलता है। यदि हम इसकी डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो इम्पेयर्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन फीमेल्स एंड टेस्टिकुलर डीजेनरेशन इन मेल्स, ठीक है। यानी जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो मेल्स के अंदर जो टेस्टिकुलर डिजेनरेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी बढ़ जाती है। तो एक तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी कौन अफेक्ट करता है? मैगनीज हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा डिक्रीजेज लेवल ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स एंड सबटल रिडनिंग ऑफ हेयर, यानी कि जो क्लोटिंग ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन्स होती हैं उनके लेवल को डिक्रीज करता है। तो एक तरीके से ब्लड क्लॉट को भी अफेक्ट करता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को भी। इसके अलावा सबटल रिडनिंग ऑफ हेयर यानी कि जो हमारे हेयर्स हैं उनकी क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। तो एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं तो उनको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाके फ्री रेडिकल को हटाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। हेल्प फॉर्म एंड कीप स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड कार्टिलेज, हमारी जो बोन है उनको स्ट्रॉन्ग बना के रखता है और कार्टिलेज उनको स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, और हमारी जो बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल है उसको भी क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। यदि हम इसके फूड सोर्स की बात करते हैं तो सीरल्स हो गए आपके, वेजिटेबल्स, टी, कॉफ़ी एंड रेड वाइन, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मैगनीज हमें देखने को मिलता है। नेचुरल फूड के अंदर आपका काउपी हो गया, बनाना हो गया, लेग्यूम्स हो गए, पोटैटो हो गए, जिनके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा मैगनीज। इसके अलावा मार्केट फूड के अंदर आपके हैमबर्गर हो गए, चिकन नूडल सूप हो गया, केचप हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गए, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? मैगनीज हमें देखने को मिलेगा।